नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा पत्ती वाला डिज़ाइन लाई हूँ। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। चार फंदे का और 12 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकता है। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छे लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है, तो बॉर्डर बनाने के बाद हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अगर आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इस लाइन में यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप फंदे बढ़ा सकते हैं। डिज़ाइन बेहद आसान है और बहुत ही खूबसूरत। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, चाहे लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में। रॉन्ग साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, ऊन दूसरी ओर, चौथा फंदा सीधा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, उन दूसरी ओर, चौथा फंदा सीधा। रिपीट पैटर्न, उन अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, चौथा फंदा सीधा। तो इन्हीं चार फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तीन फंदा उल्टा, लास्ट फंदा, चौथा फंदा सीधा। तो इस तरह हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अब उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए तीन फंदा हमने उल्टा बुना था तो रॉन्ग साइड से ये तीन फंदे सीधे हो गए। तो तीन फंदा सीधा, उन अपनी ओर, चौथा फंदा देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन दूसरी ओर, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। तीन फंदा सीधा, उन अपनी ओर, चौथा फंदा उल्टा। तीन फंदा सीधा, उन अपनी ओर, चौथा फंदा उल्टा। इन्हीं चार फंदों को दोहराते हुए हमने तीसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो चौथा लाइन मेन लाइन है, इसे ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अब ऊन को अपनी ओर करेंगे। तीन फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तीन फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारा चौथा फंदा है जो हमने सीधा बुना था। तो इसमें देखिए एक दो और तीन, तीन लाइन है, ये हमारा चौथा लाइन चल रहा है। तो अब की तीनों लाइन से, यानी नीचे वाले, देखिए ये जो हमारा पहला लाइन है इसमें हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे। लूप निकाला, अब ऊन सिलाई में ऐसे चढ़ा के वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखिए फिर अब दूसरे वाले लाइन में, दूसरे वाले लाइन में तो ये सीधा, देखिए ये होल दिखाई दे रहा है, इसमें हम सिलाई डालेंगे, एक फंदा। फिर ऊन सिलाई में ऐसे चढ़ा कर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर अब जो सिलाई पे फंदा है उसमें हम डालेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो हमने
एक से पांच फंदे बना लिए। देखिए, एक दो तीन चार पांच, एक फंदे से पांच फंदे बना लिए। अब यहाँ से पहला फंदा एज स्टिच है, और इन्हीं फंदों को, चार फंदों को हमें फिर से दोहराना है, उन अपनी ओर करना है। तीन उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हमें उल्टा बुन लेना है। तो तीन फंदा हमने उल्टा बुन लिया, अब उन दूसरी ओर। अब देखिए, ये जो चौथा फंदा है, सीधा वाला फंदा, इससे हमें पांच फंदे बनाने हैं। अब देखिए, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, और ये तीसरा लाइन है। तो देखिए, तीनों में हम सिलाई डालेंगे। एक बार नीचे वाले में सीधा फंदा बनाया, अब ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर उसके ऊपर वाले देखिए छेद में हम सिलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर यार्न ओवर, ऊन सिलाई में चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब जो फंदा सिलाई पे है उसमें हम एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो हमने एक से पांच फंदे बना लिए, अब इसे गिरा देंगे। फिर अब ऊन अपनी ओर करेंगे, एक तीन फंदा हम उल्टा बुन, सीधे वाले फंदे में एक बार नीचे से बुनेंगे, फिर ऊन को चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ लाएंगे, फिर उसके ऊपर वाले फंदे में हम, ऊपर वाली लाइन में हम सिलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ लाएंगे, और अब की जो सिलाई पे फंदा है उसमें हम एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा। जैसे देखिए, सीधा फंदा है तो ये सबसे नीचे वाले छेद में देखिए, इसमें हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ लाएंगे। अब उसके ऊपर वाले में, यहाँ हमने सिलाई डाला, एक लूप निकाला, फिर ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर जो सिलाई पे फंदा है इसमें हम, तो हमने देखिए पांच फंदे बना लिए। अब ऊन अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा। तो इन्हीं चार फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में चार फंदे बचे हैं, तो तीन फंदा उल्टा, और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमने अपना चौथा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, और ये डिज़ाइन का पाँचवा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे। अब तीन सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुनेंगे। अब उन अपनी ओर, अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमने, इसे हम दाहिनी सिलाई में कर लेंगे। अब जो हमने ऐसे फंदा चढ़ाया था इसे गिरा देंगे, फिर ये इसे खींचेंगे, फिर जो फंदा चढ़ा के हमने चढ़ाया था उसे गिरा देंगे, और फिर इसे खींचेंगे। इससे क्या होगा, देखिए ये हमारे फंदे लंबे लंबे हो। अब इन्हें बुनना नहीं है, इसे स्लिप कर लेना है। फिर अब ऊन दूसरी ओर करेंगे, और तीन फंदे जो सीधे दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम सीधा बुनेंगे अपनी ओर। अब देखिए, ये पहला फंदा, इसे हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, दूसरे वाले को गिरा देंगे, फिर तीसरे वाले को ऐसे खींचेंगे, चौथे वाले को गिरा देंगे, और फिर पांचवे वाले को खींचेंगे, इसे थोड़ा लंबा कर लेंगे, और इन्हें हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है। फिर उन दूसरी ओर तीन फंदा सीधा उन अपनी ओर। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने सीधे वाले फंदे में पांच फंदे बनाए थे, तो पहले वाले फंदे को दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, दूसरे वाले फंदे को गिरा देंगे, तीसरे वाले फंदे को फिर से दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, चौथे वाले को गिरा देंगे, पांचवे वाले को फिर से दाहिनी सिलाई में लेंगे। अब इसको ऐसे खींचेंगे तो ये देखिए लंबा हो गया, फंदे लंबे लंबे हो गए। इसको हमें बुनना नहीं है, इसे स्लिप कर लेना है। उन दूसरी तीन फंदा सीधा उन अपनी ओर, एक दो को गिरा दिया, तीन को दाहिनी सिलाई में लिया, चार को गिराया, पांच को लिया उन दूसरी ओर। इन्हें हमें बुनना नहीं है, इसे स्लिप करना है। अब उन दूसरी ओर लास्ट में चार फंदे बचे हैं, तो तीन फंदा सीधा उन अपनी ओर, चौथा फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे।
तो इस तरह हमारा पांचवा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का छठा लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर। अब देखिए हमने एक फंदे से तीन फंदा बनाया। अब की क्या करेंगे, इन तीन फंदों को हम वापस एक कर देंगे। एक किया तो देखिए ये पत्ती की तरह बन गया। अब उन अपनी ओर करेंगे, अब फिर तीन फंदे उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा, उन दूसरी ओर। अब देखिए इन तीन फंदों को हमें एक करना है, तो ऐसे सामने की तरफ से सिलाई ले जाएंगे और तीनों को सीधा बुनते हुए तीन का एक करेंगे। तो इन्हीं चार फंदों को हमें दोहराना है, उन अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। चौथे फंदे में हमें तीन से एक करना है, चौथे फंदे को तीन से एक कर लेना है, उन अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा, चौथा फंदा सीधा। बढ़े हुए फंदे को छठी लाइन में हमें घटा देना है, फिर उन अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमने छह लाइन कंप्लीट कर लिया। अब डिज़ाइन का सातवां लाइन है सामने और रॉन्ग साइड। तो अब यहाँ पे हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। सातवीं लाइन में अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए और ये हमारे डिज़ाइन का आठवां लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा उल्टा। देखिए ये जो हमारा पत्ता बना है, तो इसके ये फंदा और इसके दोनों साइड वाले फंदे, ये तीन फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे। अब की डिज़ाइन इन दो डिज़ाइन के बीच में बनेगा, तो तीन फंदा उल्टा और चौथा फंदा सीधा। तो इन तीन फंदों को छोड़कर इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब यहाँ से हमारा पहला लाइन फिर से स्टार्ट हो जाता है, तीन फंदा उल्टा और चौथा फंदा सीधा। डिज़ाइन के ऊपर का फंदा, उसके दोनों साइड वाले फंदे, इन तीन फंदों को हमें उल्टा बुनना है, उन दूसरी ओर। अब की डिज़ाइन इन दो डिज़ाइन के बीच में बनेगा, तो तीन में बीच में तीन फंदे का गैप है, तो बीच वाला फंदा यानी दूसरा फंदा, इस पर हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये तीन फंदा उल्टा और दो डिज़ाइन के बीच का यानी ये दूसरा फंदा, इसे हम सीधा बुनेंगे। तीन फंदा उल्टा, चौथा फंदा सीधा, लास्ट में दो फंदे बचेंगे तो एक फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा आठवां लाइन कंप्लीट होता है। नाइन्थ रो, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर, अगला फंदा देखिए सीधा दिखाई दे रहा है, इसे सीधा बुन लेंगे, फिर उन अपनी ओर, फिर देखिए अगला फंदा उल्टा। अब इन तीन फंदों को छोड़कर यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, तो तीन फंदा सीधा, और चौथा फंदा उल्टा, दूसरी ओर, तीन फंदा सीधा, उन अपनी ओर, चौथा फंदा उल्टा। तो इन्हीं चार फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में दो फंदे बचेंगे तो अगला सेकेंड लास्ट सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा नाइन्थ रो कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का दसवां लाइन है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए ये हमारा सीधा फंदा है, इस पे हमें पत्ती बनाना है, तो पहले हम नीचे वाले लाइन में सिलाई डालेंगे, एक लूप ले लेंगे, फिर ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब उसके ऊपर वाले फंदे में
सिलाई डालेंगे, एक लूप लेंगे, तीन फंदे हुए, फिर ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे और अब जो सिलाई पे फंदा है इसमें हम एक फंदा बनाएंगे। तो देखिए एक से हमने पांच फंदे बना लिए, अब इसे गिरा देंगे, ऊन अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, अब देखिए फिर सीधा फंदा आ गया। तो इसमें हमें पांच फंदे बनाना है, एक तीसरी लाइन में नीचे से, तीसरी लाइन में फिर ऊन चढ़ाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर दूसरी वाली लाइन में फिर ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर अब की जो सिलाई में फंदा है उसमें। तो हमने एक से पांच फंदे बना लिए। डिज़ाइन बहुत ही आसान और बेहद खूबसूरत है, बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। दो, तीन, चार, पाँच, ऊन अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, लास्ट फंदा है जिस स्टिच है इसे हम सीधा बुनेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिज़ाइन का 11वां लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन दूसरी ओर, अगला फंदा सीधा है इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे। अब इन पांच फंदों को हमें तीन करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, पहला फंदा एक, दूसरे वाले फंदे को गिरा देंगे, तीसरे वाले फंदे को खींच के लंबा करेंगे, चौथे वाले फंदे को गिरा देंगे और पांचवे वाले फंदे को खींच के लंबा करेंगे, फिर उन दूसरी ओर। अब इन तीन फंदों को हमें बुनना नहीं है, इन्हें हमें स्लिप कर लेना है उन दूसरी ओर। अब तीन फंदे जो सीधे दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर, एक, दूसरे को गिरा देना है, तीन, चौथे को गिरा देना है और पांचवे को ऐसे खींचना है, तो ये लंबा हो गया। ऐसे ही करके सारे फंदे हम बुन लेंगे। लास्ट फंदा जिस स्टिच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का 12वां लाइन है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर। अब इन तीन फंदों को हमें एक करना है, तो ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और इन तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए तीन का एक कर लेंगे। देखिए ये एक पंखुड़ी की तरह बन गया। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर। अब इन तीन फंदों को हमें एक करना है, ऐसे सामने की तरफ से हम सिलाई डालेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा। लास्ट फंदा जिस स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 लाइन का हमारा रिपीटेड डिज़ाइन है और यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट होता है। मैंने इसे दो रंग में बनाया है, आप चाहे तो एक रंग में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।